तो दोस्तों अगर मोटो जी 45 5G और रियलमी सी 63 5G की अगर कीमत की बात करें तो वो दोनों की एक ही है, यानी कि फिर सेम प्राइस रेंज में इनमें से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, ये कन्फ्यूजन यहाँ बनता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर करेंगे फुल कंपैरिजन। सबसे पहले इनबॉक्स आइटम्स के बारे में बात करें तो मोटो जी 45 में आपको मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। रियलमी सी 63 5G में आपको मिलता है एक 10 वॉट का चार्जर, इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर। डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बैक पर दोनों में ही आपको रफ फिनिश मिलता है, लेकिन मोटो जी 45 का जो बैक पैनल है थोड़ा सा लेदर लुक में आता है। इसके अलावा ग्रिप भी काफ़ी अच्छी बनती है जी 45 पर। वहीं रियलमी सी 63 5G में थोड़ा सा स्लिपरी सा बैक दिया है, हालांकि देखने में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। कैमरा शेप दोनों का अलग अलग है, एक चौकोर सा एकदम मिडिल में सेंटर में कैमरा लेंस दिया है रियलमी सी 63 5G में, वहीं साइड में छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं जी 45 में। पर्सनली मुझे तो यहाँ मोटो जी 45 का डिज़ाइन ज़्यादा प्रीमियम लगा। राइट साइड पर दोनों में ही वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, इसके अलावा पावर बटन, और पावर बटन के ऊपर ही दोनों में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बॉटम पर 3.5 का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। लेफ्ट साइड पर जी 45 में मिलता है आपको समोर SD कार्ड स्लॉट, वहीं रियलमी सी 63 5G में ये मिलेगा टॉप पर। इसके अलावा टॉप पर दोनों में ही सेकेंडरी माइक भी दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेज आते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। इसके अलावा अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में जी 45 थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू रियलमी सी 63 5G, क्योंकि डिस्प्ले साइज जी 45 का थोड़ा सा छोटा है। बात अगर डिस्प्ले की करें तो दोनों ही डिवाइसेज में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दोनों ही डिवाइसेज के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो है 120 हर्ट्ज़ का। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कलर टोन का। जी 45 के जो कलर्स है वो मुझे ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल लगे एज कम्पेयर टू रियलमी सी 63 5G। सी 63 के कलर्स थोड़े से मुझे रेडिश से नज़र आते हैं, हालांकि दोनों ही डिवाइसेज का डिस्प्ले अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ भी कोई खास फर्क नहीं है, हालांकि थोड़ा सा रियलमी सी 63 5G का ही डिस्प्ले ब्राइटर लगता है, लेकिन आउटडोर में आप दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके अलावा बेजल्स की बात करें तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर ही लगभग सेम रहेगा। UI फीचर्स की बात करें तो रियलमी सी 63 में आपको मिलता है रियलमी UI, मोटो जी 45 में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, और लुक एंड फील आप यहां से देख सकते हो, ये है मेन मेन्यू। इसके अलावा यहां पर ये क्विक एक्सेस पैनल भी आप देख सकते हो। पर्सनली मुझे लुक एंड फील में C63 का रियलमी UI ज़्यादा बेहतर लगा। परफॉर्मेंस के मामले में G45 का स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ऐप्स के अंदर C63 में आपको मिल जाता है ऐप क्लोनर का फीचर, और G45 में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। G45 में ये कुछ जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो इससे मिलते जुलते फीचर्स आपको रियलमी C63 5G में भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपको जेस्चर कंट्रोल्स देख सकते हो, ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं रियलमी C63 5G में। तो दोस्तों शुरुआत में ही मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दोनों ही डिवाइसेस का कैमरा अपनी अपनी जगह पर काफ़ी कमाल का है, लेकिन दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं इसके लिए वीडियो आगे देखना होगा। सबसे पहले अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा, डुअल व्यू वीडियो आपको दोनों में देखने को मिलता है, स्लो मोशन का फीचर्स भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो जी 45 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है जो कि सी 63 5G में देखने को नहीं मिलेगा। अब कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो पहला तो आप खुद जज करिए कि आपको इनमें से किस डिवाइस के फोटोज़ पसंद आते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो कुछ ऐसा रहा कि जी 45 में आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिलते हैं, और क्लियरली ये लगता है जैसे ये AI जनरेटेड कलर हैं, जबकि C63 पूरी तरह से नेचुरल नहीं, लेकिन G45 की कंपैरिजन में बहुत हद तक नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, और इसी ओवर सैचुरेशन के इशू की वजह से आपको डिटेलिंग भी G45 में उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा ऑटो मोड पर G45 से आपको मिलता है 13 MP का फोटो, C63 से आपको मिलता है 8 MP का फोटो, तो वहाँ शार्पनेस के मामले में G45 के फोटोज़ थोड़े से बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करें, कलर टोन की बात करें, तो उस कंडीशन में C63 मुझे ज़्यादा बेहतर लगा G45 5G से।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन भाई दोनों का ही ठीक ठाक है, लेकिन स्किन टोन थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर इस पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पर्सनली मुझे यहाँ C365G का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू Moto G45। अगेन अगर इस पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ मुझे G45 थोड़ा सा बेहतर लगा C365G के कंपेरिजन में। तो थोड़ी सी मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेज में यहाँ देखने को मिलती है। नाइट मोड में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहा है, जैसे कि G45 में थोड़े से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू रियलमी C365G, लेकिन C365G के फोटोज़ में डिटेलिंग और शार्पनेस ज़्यादा बेहतर देखने को मिली एज कम्पेयर टू G45। तो यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा और दोनों ही डिवाइसेज यहाँ ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। फ्रंट कैमरे यानी कि सेल्फी की बात करें तो यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन है, जैसे कि अगर दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी को देखें तो काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेस की देखने को मिली है, लेकिन स्किन टोन दोनों की बिल्कुल अलग है। जैसे कि G45 की बात करें तो हल्की सी रेडिश स्किन टोन देखने को मिलती है, जबकि C365G में हल्की सी वाइटिश स्किन टोन देखने को मिलती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। वैसे फ्रंट कैमरे से जब आप ऑटो मोड पर फोटो लेते हो तो G45 से केवल आपको मिलती है 4 मेगापिक्सल की सेल्फी, लेकिन उसकी डिटेलिंग भी 8 मेगापिक्सल के C365G से कहीं भी कम नहीं रहती है। तो फ्रंट कैमरे में भी भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, दोनों ही डिवाइसेस का फ्रंट कैमरा मुझे यहाँ बेहतर लगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो टोटल थोड़ा सा ज़्यादा है रियलमी C365G का, लेकिन वो क्यों ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले CPU स्कोर्स की बात करें तो लगभग 158,000 के आसपास G45 का, जो कि C365G से ज़्यादा है, यानी कि कॉमन यूज़ में G45 बेहतर है। GPU स्कोर्स की बात करें तो वो C365G का बहुत ज़्यादा है, और वो है इसलिए क्योंकि यहाँ पर G45 का यूज़ किया गया है 8GB रैम वाला वेरिएंट, और 8GB रैम वाले वेरिएंट का कोई भी डिवाइस जब आप यूज करते हो तो N223D का स्टैंडर्ड वर्जन सपोर्ट करता है, जो कि इस हार्डवेयर के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है। जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो G45 पर इस 3D वीडियो में बहुत ज़्यादा लैग और इश्यू देखने को मिलते हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपको प्रॉपर स्कोर्स देखने को नहीं मिलते GPU के G45 के लिए। आगे बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स के बारे में, तो C365G का स्कोर है लगभग 107,000 के आसपास, 97,000 है G45 का, लेकिन डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड दोनों की ही लगभग सेम है, वहाँ कोई भी खास फर्क देखने को नहीं मिलता N22 बेंचमार्क स्कोर्स में। अब N22 बेंचमार्क स्कोर्स के बाद यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस लॉन्च करके किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस जल्दी लोड होते हैं दूसरे डिवाइस के कंपैरिजन में। और अभी तक ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन G45 पर पहले लोड हुए, और C365G यहाँ बहुत पीछे रह जाता है, मतलब छोटे छोटे से ये एप्लीकेशन से, और वहाँ भी C365G में काफ़ी डिले देखने को मिला है। जैसे कि ये कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है, यहाँ भी C365G थोड़ा सा पीछे रहा। ये एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है, तो ये गेम भी G45 पर पहले लोड हुआ। ये थोड़ा सा हैवी गेम है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। अब यहाँ पर नो डाउट C63 5G पीछे तो रहता ही है, लेकिन जो डिले होता है, जो टाइमिंग का डिफरेंस रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक डेढ़ डेढ़ सेकंड का यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला है। आगे इस गेम को देखते हैं कि यहाँ पर क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये गेम अभी G45 पर लोड हो चुका है, जबकि C365G पर ऑन द वे है, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि C365G कॉमन यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा निराश कर सकता है, और G45 के कंपैरिजन में ये बहुत पीछे रह जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले मैं बता देता हूँ आपको C365G की परफॉर्मेंस के बारे में। तो अभी ये जो आप गेम देख रहे हो ये है मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर, और काफ़ी अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली है C365G पर, और किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। बीच में थोड़ा बहुत लैग देखने को भी मिलता है, लेकिन फिर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स अपने C63 5G पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। बात करें अगर हाई ग्राफिक्स गेमिंग की तो वो आप यहाँ पर गेम प्ले देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इश्यू और लैग देखने को मिलते हैं, और हाई ग्राफिक्स के गेम्स तो आप C63 5G पर रन नहीं कर सकते। डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर मिलता है, और जो स्कोर्स N22 के मिले हैं उसके मुताबिक भी मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग के लिए ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है। 6GB रैम वाले वेरिएंट अगर आप यूज करते हो तो मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग C365G पर नहीं हो सकती। इसके बाद बात करें Moto G45 की, तो अभी जो आप गेम प्ले देख रहे हो यहाँ पर, ये हाई ग्राफिक्स पर मैंने गेम्स प्ले करके देखे हैं। अभी मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा,
स्मूथली आप अपने G45 पर गेम्स रन कर सकते हो मीडियम ग्राफिक्स तक के, लेकिन यहाँ मैं हाई ग्राफिक्स पर ये गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ। C63 5G से यहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्राफिक्स भी आपको 63 5G के कंपैरिजन में G45 पर ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। हाई ग्राफिक्स के गेम्स भी आप यहाँ रन कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्मूथली आप बहुत ही आराम से रन कर पाओगे। थोड़ा बहुत इशू आपको हाई ग्राफिक्स गेमिंग में G45 पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो G45 गेमिंग में भी रियलमी C63 5G से बहुत बेहतर है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। मोटो G45 में आपको मिलता है 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, वहीं C63 5G में आपको मिलता है 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो भाई फाइनली यही है कि दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं। वीडियो मैंने बता दिया कि कहाँ G45 ज़्यादा बेहतर है, कहाँ C63 5G ज़्यादा बेहतर है, तो अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।